मैम, आज के जो कॉन्स्टेंट के बीच में हम देखते हैं कि यूथ के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो सही निर्णय कैसे ले। आपने तो सफलता के बहुत सारे प्रतिमान गढ़े हैं, आप युवाओं को क्या सलाह देना चाहोगे? सफलता किस, आप पहले तो मैं पूछना चाहूँगी सफलता आप किस चीज़ को कहते हैं? अगर आज के मॉडर्न समय में देखा जाए तो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपना नाम और पैसा कमाना चाहते हैं, तो वही नाम पैसा। लेकिन सफलता की एक और है, आप क्या अंदर से खुश हैं? ये भी ज़रूरी है, आपको आर्थिक लाभ भी चाहिए क्योंकि जीवन जीना है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन कितना चाहिए? आप अंदर से खुशी है, आज तो इतना, कल इतना, परसों इतना, लेकिन चाह में हम डूबे जा रहे हैं। लेकिन फाइनली मैं कभी हमेशा समझूँ कि हम जा रहे हैं बनाने की कि थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिले। पीस ऑफ माइंड क्यों? जब हम तो पीस ऑफ माइंड अंदर आपके चाबी तो आप ही के अंदर है, आप ही के साथ है वो चाबी, मुझे एक्सटर्नली नहीं ढूंढना है। और वो बैलेंस, इनर बैलेंस, तो वही मैंने कहा आज एक्स के लिए ये व्यक्ति है, इसके लिए बहुत सफल, इसके लिए उतना सफल नहीं होता क्योंकि ये तो अभी छोटा है, उसके लिए तो और भी नहीं क्योंकि ये तो बहुत ही, फिर इसकी कद बहुत ही छोटी है। वो वाले व्यक्ति के लिए तो और भी नहीं क्योंकि कद तो और भी छोटी हो गई। तो सफलता है मेरे हिसाब से कि आप सब कुछ कीजिए, जीवन देता है जो आप चाहते हैं, जीवन देगा, लेकिन कहीं ना कहीं देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है कि आप अपने अंदर किस तरह के व्यक्ति हैं, कितना आपको आत्म शांति है, क्या अंदरूनी बैलेंस है। एक 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 फूल के खिलने पे जो एक खूबसूरती है, वो एक अगर आपने किसी के घर में चिराग या किसी के चेहरे पर मुस्कान अगर आप ला सकें, ये नहीं कि आपको दिखाना है, लेकिन आई थिंक उससे जो आपको इन रिटर्न खुशी मिलती है, वो खुशी कहीं ज़्यादा है। आपके अपने मेहनत पसीने से कमाई हुई वो 10 रुपया भी मिले तो वो सड़क पे चलते चलते किसी का गिरा हुआ 100 रुपये का नोट भी मिल जाए, तब उससे खुशी नहीं होगी क्योंकि आपकी अपनी मेहनत है। और आप उस अपनी मेहनत के 10 रुपये को आप फ्रेम करके रखेंगे और कहेंगे मैं बच्चों को दिखाऊंगा कि ये मेरी पहली कमाई थी। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। मैम, आज भी ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो कथक में अपना भविष्य देख रहे हैं या कथक में बहुत सारी संभावनाएं खोज रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। कोई भी, आप जो भी कहना चाहें, कथक की विधा हो या कोई और विधा आप चूज़ करना चाहें, जो भी हो, आप उसमें गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। और जो भी आप, अगर जर्नलिज्म भी कर रहे हैं या अगर आप फलाने क्षेत्र में जा रहे हैं, और कथक की क्यों नहीं, वो कोई भी, पहले तो कोई भी प्रोफेशन का मतलब ये नहीं है कि ये बुरा है ये भला है, आपका आचरण कैसा है, आप उसको बुरा या भला रंग देंगे, तो वो नंबर 1। नंबर 2, आपने किस मेहनत से अपने आप को बनाया और उसको उस पर्टिकुलर विधा को और कुछ कंट्रीब्यूट किया है, 4 चांद लगाया है, वो आपके ऊपर है। तो देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। अपना मेहनत करें, गहराई, जितनी गहराई में जाएंगे जितना आप, उतनी ही पेड़ जो है मजबूत रहेगी और फलेगा और फूलेगा। आपने तो इतनी सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बहुत अनगिनत परफॉर्मेंसेस, आपको अपनी सबसे खास परफॉर्मेंस जो आपको अभी तक याद आ रहती है और उसके बारे में आप सोच के बहुत खुश होते हैं? पहली परफॉर्मेंस या पिटाई हुई थी नहीं, वो इसलिए जीवन में वो एक स्पेशल जगह है। शायद आज मैं रंगमंच पे नहीं होती अगर वो पिटाई नहीं होती मुझे, क्योंकि ज़िद तो मैंने ही किया था रंगमंच पर जाने के लिए, जबकि जुम्मा सीख रहे थे। और फिर उसका मैंने ही वो एक ड्रामा क्रिएट कर दिया था कि हम स्टेज फ्राइट हो गया था। तो वो जो पिटाई वो सीख थी। तो उसके बाद जो स्टेज घर बना है, तो मैं अपने आप को स्टेज पे पाती हूँ। मैं हूँ तब स्टेज पे। दूसरी कि एक स्टेज 1970 के आसपास की है, 1970 के आसपास के 70-71 ऐसे कुछ। मैं बॉम्बे के शनमुखानंद हॉल में ऑडिटोरियम में, तब तक तो मेरे गुरुजी मेरे साथ रहते थे। तो कहीं ना कहीं अगर गुरु साथ रहे तो आप बेफिक्र हैं, आप खूब खुल के नाच रहे हैं, क्योंकि कोई और है जो स्ट्रिंग्स जो है वो डोर खींच डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं अकेले पड़ गए। और उस ज़माने में होता था कि कथकों में कि आपकी बुकिंग होती थी और ऑर्गेनाइज़र किसी भी तबला आर्टिस्ट की बुकिंग करते थे। तो उस समय जो उस ज़माने के फेमस हुए, तभी तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं गुरु शांतप्रसाद जी के साथ मैंने डांस किया है, गुरु कृष्ण महाराज जी के साथ डांस किया है, उस्ताद लतीफ़ अहमद के साथ। उन्होंने सब लोगों के तबला की संगति पर मैंने नृत्य किया है, क्योंकि उस ज़माने का वो चलन था कि ऑर्गेनाइज़र आप कोई भी तबले वाले को, आपका अपना तबला वाला नहीं, वो चुन करके आपको देंगे। उस्ताद लतीफ़ अहमद खान थे और मैं और मेरे गुरु उस समय, उनका खुद का कार्यक्रम था, वो कहीं और थे। मैं वहाँ पता चला डिफरेंस कि जब अपने आप को कैसे अपनी क्लासिकलिटी और अपने आप को बांधते हुए रखते हुए और एक ऑडियंस के मूड को समझना और फिर भी बहकना नहीं है, चीज़ अपनी चीज़ कहनी लेकिन ऑडियंस को किस तरह से कंट्रोल करना, बहुत बड़ी एक सीख थी। वो आज भी मैं याद करती हूँ, क्योंकि ऐसा मौका आ गया था कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी हूटिंग हो जाएगी और मैं मतलब रण छोड़ करके भागूंगी। मैं रण छोड़ होने वाली थी, लेकिन वो रण छोड़ नहीं हुई, मैं वहीं की वहीं और फिर रण को जीत करके आई। तो फिर वो मुझे बहुत याद है। और एक फिर अच्छे, लेकिन ये दोनों सीखने वाली थी। और बाकी दो है कि एक हाइज और की टू डिफरेंट ऑडियंस की मैं बात करूँगी कि 1982 में उस समय के हमारी प्रधानमंत्री के साथ प्रवीण सुल्ताना, मुझे यहाँ से भेजा गया था और यूएसएसआर ब्रेजनेव की तरफ से उनके बोल्शोई थिएटर वगैरह थे। तो चाइकोव्स्की ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था और मैं डांस कर रही थी। और वहाँ फिर टुवर्ड्स द एंड मैं तो एकदम अपने मूड में आ गई थी डांस। अंत में एक आदमी जो है वहाँ के सिक्योरिटी गार्डन को भांगते हुए ऐसे आया और मेरे पूरे पैरों पर फूल बिखेर दिया एकदम ऐसे। क्या मतलब लोगों की स्टैंडिंग ओवेशन मिली कि वो जो 10 मिनट तक तो चलती गई। यहाँ भी पीटीआई ने उसका रिपोर्ट किया था इसके बारे में और वो एक था जो कि आज भी याद रखते हैं। और एक दूसरा है कि चित्रकूट में रामायण मेला, तो वो अभी मैं गई थी चित्रकूट तो हम लोग याद कर रहे थे तो याद दिला रहे थे तो कि मैं सबसे पहले वहाँ 1973 में और फिर 75 में गई, फिर 78, इस तरह से हमेशा जाती रही। अभी इस दौरान थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन लेट 80s तक जाती रही। तो वहाँ एक बार मैं जा रही तो वहाँ ऑडियंस की जो है कि मुझे समझ में नहीं आया। लोग कहते थे 25,000 लोग हैं, कोई कह रहा है 30,000 लोग हैं, कोई कह रहा है, अब मुझे मालूम नहीं कितने क्या संख्या थी ऑडियंस की। लेकिन हाँ, अब आप सोच सकते 70s और 80s की बात, आज तो अलग है। तो जब मैं वहाँ थी तो एक औरत वहाँ थी, वो घूंघट में ऐसे मैं डांस कर रही हूँ तो वो करके ऐसे की, तो मैं स्टेज ऊंचा था तो मैंने देखा तो फिर ऐसे की, हाँ जी। तो उन्होंने कहा आप वो कर रही थी ना, ज़रा उसको दोबारा कर दीजिए। तो मैं तो इतनी खुश हुई कि देखिए मैं प्योर क्लासिकल कर रही हूँ और वो गांव की औरत, उस इतना अच्छा लगा, कह रही आप वो फरमाइशी दे रही थी कि आप उसको दोबारा कर दीजिए। कौन कहता है कि क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य संगीत समझ में नहीं आता है? जो समझना चाहता है वो समझ लेता है, जो उसमें उससे रस लेना चाहता है वो रस लेता है। शायद कहते हैं ना कि संगीत की अपनी एक भाषा होती है, जो आपसे होते हुए उस स्त्री तक पहुंच गई और उसके मन को मोह लिया। आपकी भविष्य की क्या योजना है मैम? मेरी भविष्य की योजना तो एक ही रही है बचपन से आज तक, आखिरी दम तक। ईश्वर से बस इतना ही एक प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक उनकी सेवा नृत्य के जरिए करती रहूँ। बस यही, आगे तो अपना